हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं अपना व्लॉग अभी से शुरू कर रहे हैं। तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं अभी नहाई हूँ, क्योंकि मैंने सारे कपड़े वपड़े सब वॉश किए हुए थे। इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है ना, अभी थोड़ी देर पहले धूप तब भी निकल रही थी, लेकिन अब सूरज दादा जो है छुप गए हैं। सूरज मामा, सूरज दादा तो सूरज दादा जो है अभी छुप गए हैं। थोड़ी देर पहले निकल रहे थे, हाइड एंड सीख खेल रहे हैं वो हमारे साथ में और बस अभी जो है ठंडी ठंडी से हवा चल रही है। मैं जा रही हूँ नीचे, उड़न भी आ गई थी साथ ही में, सोच कमरे में है सुबह से ही, तो चले इसको ऊपर लेकर जाते, थोड़ी सी खेल लेगी है, लेकिन धूप ही चली गई। अब क्या करेंगे, हम नीचे जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? और ये देखो वाइट कपड़े कर लिए इसने। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और क्या करेंगे, अभी तो कुछ काम है नहीं, थोड़ा सा आराम कर लेंगे। जी बेटा, बेटा बोलो बोलो। क्या आप लोग हुरैन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु आपको बहुत सारा प्यार करते हैं सब लोग। हाँ चलो, क्या हुआ, चलो खड़े हो जाओ इस पे नीचे, चलो चलो। सर्दियों में इतना ज़्यादा रुआ आ जाता है ना गर्म कपड़ों में, तक गंदे लगते हैं ये। मामी, जी मामी, जी बोलो। दूदू चलो चलो नीचे चलो। तो हुरैन को लगाई है भूख, अब जा रहे हैं भाई नीचे। चल तो गाइस, शाम के बज चुके हैं 6 और इतनी तेज ठंड लग रही है ना। जस्ट अभी मैं रजाई में से निकली हूँ और बस जल्दी से फटाफट से मैं बना रही हूँ चाय। रजाई में से निकलो ना तो इतनी तेज ठंड लगती है ना, और उसकी वजह से सर दर्द भी हो रहा है। देख रहे हो गाइस मेरी व्लॉगिंग, मैं ऐसा ही कर देती हूँ कभी कभार, ऐसा ही होता है मेरे साथ में। आप लोगों के साथ में भी होता है या नहीं होता है मुझे बताना, क्योंकि मेरे साथ में तो अक्सर ऐसा होता है, अगर मैं मोबाइल उल्टा पकड़ती हूँ ना तो कभी तो मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है। जो मैं बोल जाती हूँ बक बक करके, वो चीज़ें मुझे मैं बाद में देखती हूँ तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाती है। जैसा अभी हुआ, अभी मेरा फ्रंट कैमरा था और मैं बात कर रही थी पीछे वाले कैमरे से, बैक कैमरे से। तो ऐसा है, तो सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही है क्योंकि जस्ट मैं अभी रजाई में से निकली हूँ, बाल भी धुले थे तो सर में दर्द भी बहुत तेज़ हो रहा है। और वैसे तो बाल सूख गए हैं, लेकिन वही है ना कि धूप दिखाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सोचा था कि चलो आज धूप निकलेगी, लेकिन ना धूप नहीं निकली और भाई बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो ना आप लोग रॉन्ग पे कितने खड़े हो रहे हैं मेरे। चाय बना रही हूँ, चाय पियेंगे बढ़िया अदरक वाली, बाकी सब मैंने डाल दिया लेकिन अदरक डालना भूल गई मैं, बात ही हुआ था। मैं चलो अदरक डाल देती हूँ, मम्मी गई हैं दूध देने के लिए, शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 6, तो 6 बजे मम्मी जो है दूध देने के लिए चली जाती हैं। यहाँ बगल में ही है भैंस बंधी हुई है, मतलब गुर्जर आंटी हैं तो उन्होंने भैंस बांधी हुई है, तो शाम के टाइम में वो निकालते हैं, सुबह में भी निकालते हैं लेकिन सुबह वाला दूध हम नहीं लेते हैं वो, इसलिए क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकालती है इसलिए, तो हम शाम को ही लेते हैं अक्सर। चलो अदरक ही मैंने डाल दिया है, तो अभी हमारी चाय अच्छे से बॉयल हो जाएगी, ये हमारी चाय बॉयल हो रही है, ठीक है। चलो अब मैं पहन लेती हूँ स्वेटर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तेज वाली सर्दी लग रही है, मेरे बाल कैसे हो रखे हैं। तो गाइस मम्मी यहाँ पर दूध लेकर आ चुकी हैं, दिख ही रही होंगी आप लोगों को सामने, और मैंने पहन ली है जैकेट, तो अभी थोड़ा सा सर्दी नहीं लग रही है। चाय भी हमारी बॉयल होने वाली है। हम लोग यहाँ से फ्रिज हटाने वाले हैं और हम रखने वाले हैं बाहर साइड, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ कर के आराम से खाना बनाया करेंगे, क्योंकि मेरे और मम्मी के होता है पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम नीचे गैस रख कर ही खाना बनाएंगे, ज़्यादा देर के लिए हम खड़े नहीं हो सकते हैं दोनों ही, ना ही मम्मी और ना ही मैं, तो इसलिए फ्रिज को रख रहे हैं बाहर, और यहाँ फ्रिज की साइड में हम रखेंगे यहाँ गैस को, गैस रखते हैं बाहर। इसको हाँ
ना अभी सब्जी वो आ रही है, अभी नहीं आ रही। जरूरी था तो अभी हमने फ्रेश यहाँ पे लगा दिया इसको। चल गया हमारा फ्रिज। हम गैस तो रखते हैं यहाँ। बैठ के बढ़िया बनता है खाना तरीके से। बढ़िया है ना, खबर भी पड़ती है। पता है पहले हम यही तो करते थे, हमारे वाले किचन तो है, हम लोग नीचे बैठ के बनाते थे। ऊंचाई पे गैस रखी थी अपनी फिर किचन ऊंचाई पे ना, तो अखबार लगा रखे थे हमने ऐसी, तो ऐसे हम न्यूज पढ़ते रहते थे उसमें से। कलरफुल अखबार लगा देते ताकि वो थोड़ा अच्छा सा देखे। तो गाइज यहाँ पर अभी ये बन रहा है चिकन पुलाव और ये बन रहा है जर्दा। अभी मैं आराम से नीचे बैठ कर खाना बना रही हूँ। जबरदस्त सब ये चिकन पुलाव और ये मैंने प्याज थोड़ी सी फ्राई करके बचा ली है और ये जर्दा बन चुका है। आ जाए हमारी नई किचन का उद्घाटन हो चुका है। ओह माय गॉड। तो गाइस अभी सुबह का वक्त हो रहा है और यहाँ पर देखिए इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है आज। जैसे कि हमने वेदर चेक किया हुआ था तो उसमें बताया था 8 और 9 तारीख को बारिश होगी। आज है 9 तारीख और देखो कितनी झमाझम बारिश हो रही है आज। अब जो है सर्दी बहुत बढ़ जाएगी ये बारिश की वजह से। इसको भी लगा देते हैं क्योंकि हम लोग रहेंगे अंदर। बाहर हो रही है खूब ज़्यादा बारिश टाइल्स लेने के लिए, क्योंकि टाइल्स का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी सारा काम फिर से निकल आया है। तो बारिश हो रही है तो नहीं जा सकते हैं। बैली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि बैली को वॉमिट हो रही है, ये बाहर जा जा कर बैठ जा रही है, इसको सर्दी लग चुकी है। इसलिए देख रही है मम्मी दवाई बना रही है दवाई पिलाने के लिए, वो देख रही है मेरी दवाई रेडी हो रही है। अब मैं भागूँ जल्दी से भागूँ पीछे पीछे, जैसे बच्चों के पीछे माँ भागती है ना ऐसे इसके पीछे भागना पड़ता है हमें दवाई पिलाने के लिए। पहले दवाई पी लो बेटा। ये तो खूब जानती है वो, तो जिस सर्दी नहीं जानती कि लग मां बैठ जा रही है जाके। वो नहीं जानती, अभी मैंने आवाज लगाई है तुरंत भागी है वहां से। नहीं बैली आ जाओ, आ जाएगी और दवाई देगी तो भाग रही है, और जिन्हें जानने की मेरे को सर्दी लगेगी जा बैठ रही है। वो बारिश देख रही, बाहर के नजारे देख रही है साथ साथ में। बैली आ जाओ, पी लो दवाई, पी लो दवाई। वेरी गुड। वैली ने दवाई पी लिया। गाइस बैली के ऊपर जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया था, लेकिन अभी माशाल्लाह से वो ठीक है, बस सर्दी की वजह से थोड़ी सी वॉमिट कर रही है और कुछ नहीं। बिल्ली बिल्ली ने पंजा भी मारा है क्योंकि ये हाथों को मतलब उसके पास जा रही थी, उसको क्या पता बेचारी को कैसा ये करेगी। दोस्ती करने के लिए जा रही थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है ना अभी, सिर्फ इसका जो है नाखून लगा है इसको उसका, और कल फिर जो है दवा वगैरह दिला कर लाया इसको। अभी ये ठीक है, क्यूट लगती है ना माशाल्लाह। बता लेती है वो छोटी सी गुड़िया लग रही है। दिखा दो बहू का चेहरा देखो तो तुम पता लगा के कैसे लग रही है वाली बैली देखो देखे तोड़ दिया जाके बटन नहीं हैगा 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 कहाँ है तोड़ दिया मन अरे हैगा बटन नहीं है शायद वो था चिपकाने चटकनी चिपकाने की थी चटकनी बदलिया मम्मी तुम कोशिश कर लो मैं वेरी निकाल लूंगी देखो माली बैली कैसी लग रही है दीदी की बात नहीं रही आराम से पिने बैठ रही है लेकिन वो
और वो खुल गया वो बटन, छोड़ो बटन लगा दो, पेट तक आए। चलो जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, ऐसे पता चल रहा है कि हाँ भाई आज बारिश हुई थी और बहुत अभी होगी और होगी आज तो, इसलिए हम लोग जल्दी निकल आए थोड़ा। और हम लोग चुपके से अब निकल आए हैं, हल्की हल्की बूंदे आ रही है, बस अभी चलते हैं, कुछ और भी काम है छोटे छोटे से मार्केट में तो वो भी करेंगे। हम लोग आए थे इंटरनेट वाले के पास तो वहाँ से कुछ काम था तो बस अभी हो गया है, अब चलते हैं दूसरी जगह। ताज़ी ताज़ी अमरूद भी ले लिए हैं, ये भैया बेच रहे थे बहुत ही मस्त से, तो यहाँ से अमरूद ले लिया, अब चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं टाइल्स लेने के लिए, क्योंकि टाइल्स हमें चाहिए थे आउटडोर के लिए, तो बस यहाँ पर अभी पसंद कर रहे हैं कि हमें कौन सी वाली टाइल्स लेनी है, और हमें 1x1.5 वाली ही टाइल्स लेनी है, बड़ी टाइल्स नहीं लेनी है, तो सभी पसंद करते हैं। फिर आप लोगों को मैं मिलूँगी डायरेक्ट अपने नए घर पर। तो गाइस अभी हम आ गए हैं अपने नए वाले घर पे और हम लोग आए हैं टाइल्स रखने के लिए, क्योंकि टाइल्स हम अपने साथ में ही लेकर के आए थे, क्योंकि थोड़ी सी टाइल्स थी तो फिर उन्होंने कहा कि यार एक्स वगैरह करोगे उसका चार्ज अलग लगेगा, तो फिर ऐसे ही ले जाओ, तो फिर हम लोग ले आए। और अभी टाइल्स का जो है ये लास्ट काम था, लास्ट काम नहीं बोलूँगी, अभी तो किचन में भी लगना बाकी है, तो अभी तो फिलहाल ऊपर वाला काम चल रहा है। हमने वॉश बेसिन के साइड में जो है टाइल्स लगवाने थे तो उसके लिए हम लोग लेकर के आए हैं, ऊपर भी एक वॉश बेसिन लगवाएंगे, ज़रूरी होता है छत पर भी तो इसलिए। और बस अभी सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं तो आज जो है दो दो जैकेट पहन करके गई हुई थी, एक अंदर हुडी पहनी हुई है ऊपर से एक जैकेट पहनी हुई है, तब जाकर मेरी जो है सर्दी रुकी है, वरना इतनी ज़्यादा तेज़ सर्दी है ना, क्योंकि आज बारिश भी हो गई तो बारिश की वजह से बहुत मतलब सर्दी हो गई है, जान होने लगी। मुझे आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, वहाँ से आए और उसके बाद जो है थोड़ा खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद जस्ट अभी मैं बैठी हूँ अपनी रजाई में, और हुरैन भी यहीं पे ही बैठी हुई है, वो अभी जो है अपने कैक्टस के साथ में खेल रही है। पहले हुरैन थोड़ा सा डरती थी कैक्टस से, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खेलती है वो उसके साथ रजाई में, क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो हम और माँ मतलब मैं और हुरैन हम दोनों माँ बेटी बैठे हुए रजाई के अंदर ही, क्या करें कुछ काम नहीं है अभी तो फिलहाल, तो बस सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। चल अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे मेरी फैमिली को। दिल लगी,